रन भी ठीक ठाक बन गए हैं और बाबर ने आज एक और 100 भी बना दिया है। उसके साथ साथ उन्होंने पाकिस्तान का एक रिकॉर्ड भी बनाया है कि एक साल में मैक्सिमम हाईएस्ट इंटरनेशनल रन मिसिंग थी। बाबर आजम का तो यार कहना पड़ेगा। इनफैक्ट मैं देख रहा था कि टेस्ट क्रिकेट में भी पिछले 5 सालों में देखिए बाबर आजम भी कहां से कहां आए हैं। ये भी हो ही रही है ना, अगर आप बोले कि न्यू एरा इन पाकिस्तान क्रिकेट, शायद से आज से शुरू हुआ है। हालांकि पाकिस्तान में ऐसे नए एरा जो हैं वो आते रहते हैं। वक्त पर अगर बाबर आजम जिस तरह अंपायर ने आउट दे दिया, अगर आउट हो जाते तो फिर शायद न्यूजीलैंड ये कहता कि हम मैच में वापस आ सकते हैं। बट किस्मत अच्छी थी, रिव्यू में बाबर आजम एक बार फिर बच गए। स्कोर क्या है, तफसील दीजिए आज के दिन की। 317/5 सरफराज अहमद, जिस हिसाब से फॉर्मर कैप्टन 4 साल बाद उन्होंने वापसी करी। एक वक्त तो फंस गई थी पाकिस्तान। हाँ, उनके 3 आउट हो गए थे, दो आउट हुए पहले, उसके बाद तीसरा जब इमाम अपना विकेट फेंककर चले गए थे और लोगों ने कहा कि बूम बूम बॉल आ रहा है, बूम बूम बॉल जो है वो ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में ही आज खलबली मच जाएगी। बट उसके बाद जिस तरह सरफराज ने आके बैटिंग की है, मतलब 100 मिस कर गए, लेकिन कहते हैं ना कि मतलब विंडिकेशन वाली बात है कि अरसे से मैं बाहर बैठा था, बात चल रही थी, एक लॉबी थी वहां पर जो कहती थी जी कराची के प्लेयर्स को खिलाया नहीं जाता, सिर्फ लाहौर के प्लेयरों को खिलाया जाता है। अब रिजवान ने जब रन नहीं बनाए थे, रिजवान को ड्रॉप किया गया और पब्लिक वहां पर ओपिनियन भी ऐसा बन गया था, फिर नए चीफ सेलेक्टर भी आ गए और देखिए सरफराज आज 11 में खेल गए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने बाबर आजम के साथ जो पार्टनरशिप हुई है उसने पाकिस्तान को डे वन न सिर्फ विकटें नहीं गिरी पाकिस्तान की, रन भी ठीक ठाक बन गए और बाबर ने आज एक और 100 भी बना दिया है। उसके साथ साथ उन्होंने पाकिस्तान का एक रिकॉर्ड भी बनाया है कि एक साल में मैक्सिमम हाईएस्ट इंटरनेशनल रन्स जो मोहम्मद यूसुफ ने बनाए थे, हालांकि उन्होंने तो उस वक्त टेस्ट क्रिकेट में भी आग लगाई थी। बिल्कुल, तो बाबर आजम ने आज 2500 से ज्यादा उनके इंटरनेशनल रन्स हो गए इस कैलेंडर ईयर में। बताइए, 2600 रन हो गए इस कैलेंडर ईयर में और आई थिंक वो जो पार्टनरशिप थी वो सांस ही लेने की जगह नहीं, उनको मैच में काफी आगे भी ले गई है। क्योंकि रन ऐसा नहीं है कि आपने 200-250 रन बनाए हो 4-5 विकेट के नुकसान पे, आपने रन भी लगा दिए बोर्ड पे क्योंकि तेज रन बने हैं। बिल्कुल तेज रन बने हैं, तो 317 रन कितनी 5 विकेटों के नुकसान पे पाकिस्तान। न्यूजीलैंड हालांकि देखिए जो पीछे इंग्लैंड कर गई, न्यूजीलैंड ने सोचा होगा कि हम भी कर ले, बट उनका ये था थोड़ा कुछ चीज़ें मिसिंग थी। बाबर आजम का तो यार कहना पड़ेगा। इनफैक्ट मैं देख रहा था कि टेस्ट क्रिकेट में भी पिछले 5 सालों में देखिए बाबर आजम भी कहां आए हैं, मतलब 34-36 उनकी टेस्ट एवरेज होती थी, आज उन्होंने 50 के पार चले गए। पर आप देखिए 161 पे खेल रहे हैं 161, मतलब कल आके 10-15 मिनट